बलरामपुर सुहेलवा वन्यजीव प्रभाग रेंज जनकपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जनकपुर के मजरा बसंतपुर में तेंदुए ने 4 लोगों सहित 2 बच्चों को घायल कर दिया है। ग्राम प्रधान सगीर अहमद तथा ग्रामीणों द्वारा वन विभाग तथा स्थानीय कोतवाली जरवा को सूचना दी। सूचना पर जरवा, कोतवाल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। जानवर को चारा चढ़ाने गए विजय उम्र 22 वर्ष, फैजान उम्र 24 वर्ष, लालू उम्र 19 वर्ष, प्रदीप कुमार उम्र 26 वर्ष, माता दीन उम्र 10 वर्ष को तेंदुए ने खेत में दौड़ाया तथा काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं हसनापुर जंगल में 10 से 15 दिन पुराना एक तेंदुए का शव पाया गया है। ग्राम प्रधान सगीर अहमद, प्रभागीय वनाधिकारी डॉक्टर एम सोमारन, उप प्रभागीय वनाधिकारी माता बख्श सिंह, क्षेत्राधिकारी अमरजीत प्रसाद, शशिकांत शुक्ला, वन दरोगा चंद्रभान यादव, वन रक्षक जरवा कोतवाल दुर्विजय और उनकी टीम अरविंद यादव, विजय कुमार विश्वकर्मा, रोशनी देवी भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। प्रथम दृष्टया तो जांच में आएगा वो हसनापुर कंपार्टमेंट नंबर 1 में कवही नाली के किनारे डेड बॉडी मिली, जो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर की है और लगभग सड़ भी चुकी है। बलरामपुर में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली थारू जनजाति की छात्राओं को विकास खंड पचपेड़वा के विशुनपुर विश्राम में साइकिल वितरित समारोह में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी एवं जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा 224 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले थारू जनजाति के छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले थारू जनजाति के छात्र काफी प्रतिभाशाली हैं। सभी ने कठिन परिस्थिति से पढ़ाई करते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने सभी के अभिभावकों से अपील की है कि इन छात्रों को आगे बढ़ने के लिए हर एक अवसर अवश्य प्रदान करें। इसके लिए उनको सरकार द्वारा हर सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनजाति में विद्युत समस्या को हल करने के लिए 1280 सोलर लाइट की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा मोबाइल नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए 8 BSNL के टावर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटर पास जो छात्रा सिविल सर्विस या IIT नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कोचिंग में एडमिशन दिया जाएगा। फिरोजाबाद में सड़क छाप मजनू की चप्पलों से हुई कुटाई, पीटते पीटते चप्पल भी टूटी। जगह जगह एंटी रोमियो टीमें गठित की गई हैं। वहीं सिरसागंज इटावा रोड पर एक मजनू के हौसले इतने बुलंद हुए कि राह चलती लड़की से आई लव यू बोलने लगा और काफी दूर तक पीछा करता रहा। जब हद हो गई तो लड़की ने चप्पल उतार मजनू की कुटाई शुरू कर दी। कुटाई इतनी जबरदस्त थी कि लड़की की चप्पल भी टूट गई। जब तक आस पड़ोस के लोगों को पता चल पाता तब तक मजनू फरार हो गया। कहाँ का आई है? कहाँ का है? गुना राघोगढ़ में आज वार्ड क्रमांक 20 में गिदिया में हनुमान जी महाराज मंदिर में पूरे गांव ने मिलकर कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली। इस गांव के आसपास के सभी लोगों ने प्रसाद पाया। समस्त उपस्थित कल्याणपुरी जी रहे, जिसमें मोतीलाल जी सेहरिया ने 20 से 30 प्लांट भूमि दान की। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा गिदिया गांव में भंडारा हुआ। हनुमान जी मंदिर में कलश पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में कल्याणपुरी गोस्वामी जी उपस्थित रहे। और इसी प्रकार से पूरे गांव की इलाकों में आवाज़ लगाऊंगा जिन लोगों ने मुझे सहयोग किया। आत्मा भी इसके लिए मैं हमेशा जब तक जीऊंगा आपके साथ में जी जान से खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भगवान, जय श्री राम। वार्ड नंबर गीदिया गांव में एक हनुमान जी पे बढ़िया भव्य कार्यक्रम रखा। इसमें कलश चढ़ाया गया और गीदिया गांव के सभी गाँव ने मिल के चंदा करके कलश चढ़ाया भगवान पे। और भंडारा भी भारत इतना तगड़ा हुआ कि 11 बजे से भोजन चल रहा है और अभी तक भंडारा चल ही रहा है। इस गांव वाले को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से, सब मेरी पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने एक बड़ी अच्छा नाम कमाया।
सहारनपुर में आज मुख्यमंत्री योगी मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 92.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन मां शाकंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का 32 मिनट तक निरीक्षण किया। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य पर सीएम ने नाराजगी जताई, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो गए। बता दें 50.43 एकड़ जमीन में 92.4 करोड़ की लागत से 5 चरण में विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। पहले चरण का निर्माण जून 2023 तक पूरा होना है। बता दें कि विश्वविद्यालय स्थापना की अधिसूचना 7 मार्च 2019 को, जबकि इसका नाम मां शाकंभरी विश्वविद्यालय करने की अधिसूचना 3 अगस्त 2021 को जारी हुई थी। मुख्यमंत्री इससे पहले भी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त 2022 को भी मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी परिसर जाकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। उस समय भी निर्माण कार्य की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद निर्माण कार्यों में तेजी आई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की सराहना की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सहारनपुर पहुंचने पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के द्वारा व्यापक बंदोबस्त भी किए गए थे। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका जो सपना था उस सपने को पूरा किया है। सहारनपुर तक वंदे भारत का प्रॉमिस हुआ था आपको, आज आपके सामने वंदे भारत ट्रेन खड़ी है आपके उपयोग के लिए, आपकी यात्रा को बहुत अच्छे से सहयोग करने के लिए। साथियों, जितने वादे मोदी सरकार करती है वो सारे के सारे वादे पूरे करने के लिए जो पूरा एकदम जी जान से मेहनत करती है उनकी टीम। खबर उत्तराखंड के कलियर से है, जहां पर आंधी ने भारी तबाही मचाई। मंगलवार लगभग 9 बजे आंधी आई, रास्ते में खंभे गिर गए, बैनर गिरे, रास्ते में पेड़ गिरे। वीडियो को देखकर पता चलता है कि आंधी ने कितना कहर बरपाया है। टीन के खोखे उड़कर बहुत दूर चले गए, उनकी छत बहुत दूर चली गई, घरों की दीवारें गिर गई। अच्छी बात ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। प्रशासन ने बुधवार को सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं और आदेश न मानने वालों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कितना नुकसान है देखो, कलियर में यह है भारी तबाही का नजारा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।